राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आम आदमी पार्टी के विधायकों, पार्षदों और नेताओं द्वारा आज राजभवन के बाहर एमसीडी सदन में स्थगित हुए शपथ ग्रहण समारोह और नामांकित पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं व पार्षदों से डीआईडी न्यूज टीम ने बात की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों ने उनको हराने का काम किया, 15 साल के कुशासन को उखाड़ के फेंकने का काम किया। अब वो चाहते हैं कि पीछे के दरवाजे से मेयर बना लें और एलजी के सपोर्ट से वो दिल्ली के एमसीडी में मेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग ने ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। एलजी साहब को ये बताने के लिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आप संविधान की हत्या करोगे तो ये आंदोलन और बड़ा होगा और बिल्कुल भी किसी कीमत में देश के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स की पहले शपथ हुई हो। पहले शपथ हमेशा इलेक्टेड काउंसलर्स की ही हुई है और हम यही कहना चाहते हैं एलजी साहब को कि संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं और आने वाले टाइम में जो लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीती है उसको अपनी सरकार बनाने दें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन एलजी साहब गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर संवैधानिक तरीके से पीठास अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, गैर संवैधानिक तरीके से काउंसलर्स को नॉमिनेट किया जाता है, गैर संवैधानिक तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर से मेयर के चुनाव में वोट डलवाने की कोशिश की जाती है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम एलजी साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि आप जो चुनाव है वो संवैधानिक तरीके से करवाएं आप, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से आप कल नॉमिनेट काउंसलर्स को आप पहले शपथ दिलाते हैं, ये किसी भी दिल्ली एमसीडी के एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पहले आप जीते हुए जिन्होंने जनता ने चुना है उनको आप शपथ दिलवाएंगे, उसके बाद हमारी जब सरकार बनेगी एमसीडी में उसके बाद हम लोग मेयर बनाएंगे, डिप्टी मेयर बनाएंगे और साथ में स्टैंडिंग कमेटी के हम मेंबर बनाएंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर एलजी साहब को हम संदेश देने आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि आप अपनी मनमानी ना करें, संविधान के साथ खिलवाड़ ना करें। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा कानून का पालन करती आई है। कल जो सदन में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना थी। ये शपथ कराने की जो कोशिश थी ये गैर कानूनी थी, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी ने कल किया, पुरजोर किया। और आज जब वो सब मिलना चाहते हैं एलजी साहब से, आज जब हम यहाँ सारे विधायक और सारे काउंसलर्स मिलने के लिए आए हैं, तो एलजी साहब ने हमारा स्वागत बैरिकेड लगा के पुलिस के द्वारा किया है। एलजी साहब मिलना नहीं चाहते। देखिए, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरे देश के नगर निगम जहां भी हैं, आप देखेंगे कहीं भी नॉमिनेटेड काउंसलर्स को मेयर के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार नहीं है। इस तरीके के जनादेश को कुचलने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है एलजी के माध्यम से, आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। कल जो जिस तरह से संविधान की धज्जियां सदन में उड़ाई जा रही थी, जिस प्रकार से मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलवाई थी, मैंने उसे पॉइंट आउट किया। मैंने कहा कि इस तरह की परंपरा पिछले काफ़ी समय से नहीं रही है, लेकिन वो जानबूझ के जबरदस्ती उन लोगों को दिलवाना चाहते थे शपथ। मनोनीत पार्षदों को हमने कहा था कि पहले चुने हुए प्रतिनिधियों को दिलाओ, यही कारण था कि जिसकी वजह से कल हाउस के अंदर हंगामा पार्षदों के द्वारा किया। भारतीय जनता पार्टी अपने आदत से मजबूर है, उसको आदत है ये सब करने की, और जिसके चलते संविधान की हत्या करने की कोशिश की, और उनको ये पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही हैं, ये मर जाएंगे पर संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, हमारे सामने में कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे, हम उसका विरोध करेंगे और हमने किया है और आगे भी करेंगे। जब तक संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं होंगे, जब तक संविधान का पालन नहीं होगा, नियमों का पालन नहीं होगा, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।